बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समुदाय यानी कि मस्जिद पैरोकारों को कोई राहत नहीं मिली, उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी थी, इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा। रोक से इनकार कर दिया है, ईदगाह परिसर के सर्वे के आदेश पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। अब से कुछ ही देर पहले यह फैसला आया श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ याचिका दी थी। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से अब ये बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार, जिसमें एएसआई सर्वे की बात कही गई थी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, डिटेल बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो मुस्लिम पक्षकारों को राहत देने से इनकार कर दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रवैये से साफ है उनको राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इसमें 9 जनवरी ये कहा गया कि 18 तारीख को सर्वे ठीक है। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले में अब अगली सुनवाई होगी, जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से आज के इस फैसले में हालांकि राहत नहीं मिली है, लेकिन 9 जनवरी को एक बार फिर से पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। शाहीदगा मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष के पैरोकारों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पर अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके फैसले को ही बरकरार रखा गया है, उस पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का।